Extra embryonic membranes, first the contents. Amniotes and N amniotes, role of extraembryonic membranes, and development of extra embryonic membranes. So, students, let me first discuss what are the extraembryonic membranes. Extra embryonic membranes are actually different layers or the different membranes which are which are protecting the developing embryo. एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन क्या है ये ऐसी लेयर्स हैं या ऐसी मेब्रेन हैं जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं आमतौर पर कुछ एनिमल्स के अंदर ये मौजूद होती हैं कुछ के अंदर मौजूद नहीं होती हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्बरिक मेमब्रेन एनिमल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं द फर्स्ट वन दे आर द एमनी एंड सेकेंड वन आर दिन एमनी ओट्स सो एमनीोट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्बरेन्स ऐसे एनिमल जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं दे आर आरकाल द एमनियोट्स अब इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन हमारे पास कौन सी होंगी एमनियन कोरियन एलोटॉइस ये तीन मेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन हैं इसके अलावा योग सेप भी मौजूद होता है तो अब एनिमल्स के मगर हम देखते हैं रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स ये तीन ग्रुप्स ऐसे हैं वर्टिब्रेट्स के जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्बर मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड एमनियोट्स जबकि हमारे पास जो एम्फीबियंस और फिशेस जो हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती ड्यूरिंग डिवेलपमेंटल प्रोसेस सो एम्फीबियंस एंड फिशेस दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द एन एमनी ओट्स एन एमनी ओट्स विदाउट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियनिक मेम्रेन वट इज द रोल ऑफ दिज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्रेन का क्या रोल हो सकता है अगर इसमें सिंपल देखें जो एक ह्यूमन ह्यूमन के अलावा जितने भी एनिमल्स की जो डेवलपमेंट है प्लस ऑल एनिमल्स उनकी डेवलपमेंट अगर हम शुरू देखें लाइफ जितनी भी है उसका स्टार्ट हमेशा फ्राम दाटर है लाइफ ओरिजिनेटेड फ्राम दाटर अब जो एनिमल्स में जो टेरिस्टर एनिमल्स हैं टेरिस्टरी एनिमल्स जो हमारे पास कौन से है? वो एनिमल जो ड्राई लैंड के प्रत्येक खुशकी पर रहते हैं उसमें हमारे पास रेपटाइल बर्ड्स और बैमल्स ये तीन ग्रुप्स आते हैं अगर ये खुशकी के एनवायरमेंट पर रहते हैं तो चांसेस ये हैं कि इनका जो एम्ब्रियो जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस ड्राई हो सकता है क्योंकि वो लैंड के ऊपर वाटर मौजूद नहीं होता है तो ड्राई इन्वायरमेंट के ऊपर क्या हो सकता है कि उनको जो एम्ब्रियो वो ड्राई हो जाएगा और सर्वाइव नहीं कर सकेगा तो कुदरत ने उनकी एक हिफाजत की हुई है हिफाजत किस तरह से की हुई है कि उसके पास बाकायदा एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेनस मौजूद होती हैं एम्फीपियंस और फिशेस जो हैं उनकी डेवलपमेंट जो कि वाटर में हो रही है तो वाटर एक बड़ा स्टेबल इन्वायरमेंट है वहाँ ही तो ड्राई होने का चांस है और इसके अलावा स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ जो है हाँ वो बाकी चीजों उतने डेंजरस उतना डेंजर नहीं है उतना खतरा नहीं है जितना कि ड्राई लैंड के ऊपर मौजूद है सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में सबसे पहले हमारे पास है एमिनियन एमिनियन एक्चुअली वो सबसे पहली मेम्ब्रेन है जिसने एम्ब्रियो को कवर किया होता है एमिनियन बेसिकली इट फिल्ड विद अ लिक्विड दैट लिक्विड इज कॉल एमनियोटिक फ्लूड तो जो डिवेलपिंग एम्ब्रियो एक्चुअली उस फ्लूड के अंदर तैर रहा होता है उस फ्लूड के अंदर बात कर रहा होता है अब इसका बेनिफिट क्या है कि एमिनियोटिक फ्लूड की वजह से एम्ब्रियो ड्राई नहीं होगा और उसको किसी तरह का जो एक्स्ट्रा शॉक जो है उसे भी महफूज रहेगा इस तरह से सो सेकेंड वन इज द कोरियन कोरियन इज द सेकेंड एक्स्ट्रा एम्बियटिक मेम्ब्रेन और कोरियन का को जो बेसिक फंक्शन है वो आमतौर पर इसका जो है वो ये मैकेनिकल शॉक से बचाती है यानी इट इज आउटर टू द एमनियन ये एमनियन से बाहर होती है और आमतौर तो पर यह क्या करेगी मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाएगी और इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज फॉर द गैशियस एक्सचेंज ये गैशियस एक्सचेंज में जो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इट इज़ हाई लू वास्कुलर ये वास्कुलराइजेशन इसकी होती है थर्ड इंपॉर्टेंट मेम्रेन इज द एलन टॉयस का बेसिक फंक्शन जो है इट इज़ फॉर द एक्सक्रिट्रीशन इसका बेसिक फंक्शन क्या होगा एक्सक्रिशन में रोल प्ले करेगी ये एक्सक्रिट्री मैकानिज्म के लिए है क्योंकि डेवलपिंग फीटस जो है वो बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस करवाएगा तो डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्री में जो टॉक्सिक जो मटेरियल प्रोड्यूस होंगे दे आर एक्चुअली रिलीज या स्टोर्ड इन टू द एलेटॉयस तो एलेंटॉइज क्या करेगी उसके जब वो एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करेगी और इसके साथ साथ इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द गैशियस एक्सचेंज तो कोरियन और एलेंटॉयस दोनों मिलकर क्या करते हैं गैश एक्सचेंज में भी रोल प्ले करेंगे फोर्थ मेमब्रेन जो कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है दे इज द योक सैक अब चूंकि मैमल्स के अंदर योक होता ही बहुत थोड़ा है पहले सेंट्रल मैम्बल में स्पेशली तो वहाँ योग सैक उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर योग सैक इंपॉर्टेंट है, है। योग सैक एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो योग को कवर करती है और योग को ट्रांसफर करती है टू द एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो को फीड करवाती है योग से हाउ दीज मेम्ब्रेन आर डिवेल्प्ड अब ये एक्स्ट्राब्रेन की मेम्ब्रेन डिवेल्प कैसे होती हैं फार श्योर sure, ये एक्स्ट्राब्रेन की मेम्ब्रेन भी एम्ब्रियो से ही डिवेल्प होती हैं यानी जब शुरू में एम्ब्रियो बन रहा होता है कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो के फर्दर ऑर्गन नहीं बनवाएंगे बल्कि वो एम्ब्रियो से अलग होकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेब्रीनस बना देती हैं अब अगर हम बात करें जो एमनियन और कोरियन है एमनियन और कोरियन जो है ये दोनों एक्टोडर्म और इमिजोडर्म के मिलने से बनती है तो ये तो ये जो कोरियन है और इसके अलावा एमनियन दे आर बोथ एक्चुअली सेंथिसाइज दे आर बोथ फॉर्म बाई द एक्टोडर्म एंड द तो एक्टोडर्म दोनों क्या करेंगे मर्ज होंगे और अलग से एक दो कवरिंग बनाएगी उनमें से एक जो जो है है वो वो कहलाएगी कहलाएगी एक कोरियन इस तरह से जो हमारे पास एलन टॉयस है एलेंटॉयस आमतौर तो पर गट यानी एंडोडर्म की वेंट्रल साइड से बनता है ये तो इस तरह से एलेंटॉयस हम कह सकते हैं कि इट इज फाउंड बाय द गट आर देंडोडर्म एलटॉइस शुरू में स्मॉल सैक होता है बाद बढ़ता चला जाता है योक सैक योग काम आमतौर तो पर इट इज आल्सोसाइज बाई द एंडोडर्म और ये योग को कवर करती है और इसके बाद फूड जो है उसको आगे जो है वो पहुँचाना जो है योग सेक के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी यह हमारे पास डायग्राम्स में हम देख सकते हैं ये अगर आप ओवरऑल इसमें देखें सेंट्रल के ऊपर ये जो हमारे पास पोर्शन है दिस इज द एम्बरू एम्बरी के बाहर हमारे पास डिफरेंट मैमब्रेनस हैं जो पहली मेमब्रेन है दैट इज एक्चुअली द एमनियन ये आप जो ब्लू और रेड कलर में देख रहे हैं और ये व्हाइट कलर में जो हमारे पास इट इज एमनियोटिक कैविटी जिसमें एमनियोटिक फ्लूड मौजूद होता है जबकि दूसरी हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो ये है जो बिल्कुल एग शेल के नीचे करके है दिस कोरियन तो कोरियन जो है ये प्रोटेक्शन के लिए है सिमिलरली नीचे चूंकि योग होता है तो योग को जो कवर करने वाली है इट इज योग सेक और साइड के ऊपर जो गैश एक्सचेंज के लिए हमारे पास है इट इज द एलेंटाइज इनकी डेवलपमेंट अगर हम देखें तो द डेवलपमेंट के लिए ये हमारे पास एम्ब्रियो की इसकी साइड्स के ऊपर यहाँ से बिल्कुल एक साइड के ऊपर अगर देखें तो एपीडर्मस ये एक्टोडर्म और मिजोडर्म मर्ज करती हैं दोनों आस्था था ऊपर को उठती हैं दोनों तरफ से मिजोडर्म और एक्टोडर्म जो है ऊपर को उठेंगी आगे जाकर दोनों कंबाइन हो जाएंगी अब इसके जो इनर फ्लैप होगा इट विल फॉर्म द एमनियन और जो आउटर फ्लैप होगा इट विल फॉर्म द कोरियॉन जबकि यहाँ से एक साइड से जो गट है यहाँ से एलोटॉयस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और ये हमारे पास एक साइड पर एलोटॉयस बन जाएगी जबकि नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन बनेगी इट विल बी द सैक